हाय फ्रेंड, कुकबिज ज्योति में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करेले की कलौंजी बनाना सीखेंगे जो खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। ये देखिए, मैंने करेला लिया है, इसको मैंने धो के छील लिया है, और चार पांच आलू है उसको भी मैंने धो के छील लिए हैं। अब हम प्याज लेंगे, लहसुन लेंगे, इसको हम बारीक पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसका बारीक पेस्ट बना लिया है, और कुछ खटाई के मसाले हैं, अमचूर वगैरह है, इसको भी मैंने इसमें डाल दिया है, और इसमें तेल डाल देंगे। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। उसके बाद हम करेले को बीच से फाड़ के इस तरीके से, ये देखिए, हम इसमें ऐसे भर देंगे। भरने के बाद हम सभी करेले को कढ़ाई में तेल डाल के गैस पे रख देंगे बनने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं करेले को इस तरीके से भरना है, अच्छे से मसाले इसमें फिल हो जाए। तो सभी करेले को मैंने भर लिया है। अब इसको हम गैस पर रखेंगे, इसमें ऑयल डाल देंगे जिससे अच्छे तरीके से पक जाए। तो इसको अब हम पकाने के लिए रखेंगे। उसके बाद हम ढक्कन से ढक देंगे। 5-10 मिनट के बाद इसको हम ऐसे हल्के हाथों से पलट देंगे जिससे हम करेला मेरा जले नहीं। तो इसको हम हल्के हाथों से ऐसे पलट देते हैं। हमें यह भी ध्यान रखना है कहीं मसाले ना निकल जाए इसके सारे। तो धीरे धीरे से इसको हम पकाएंगे धीमी आंच में ही, और आप देखिए इसका कलर कितना बढ़िया चेंज हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए करेले की कलौंजी बनके तैयार हो गई है। मुझे तो भाई बहुत पसंद आती है करेले की कलौंजी। तो फ्रेंड्स, कैसे बनी है इसको आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे आपको मेरी आगे आने वाली वीडियो मिलती रहे। फिर मिलेंगे नई नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।